कुछ नहीं कुछ नहीं, शक्ल और काम में बहुत अंतर है। वैसे आप लोग कौन हो? इनको भूलने की बीमारी है, ये वादा करके भूल जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये साला अपना वादा ना भूल जाए, नहीं तो फालतू में टाइम खोटी हो जाएगा। अंकल को क्या हुआ? मम्मी अंकल बेहोश हो गए क्या? अब इनके कपड़े और अन्य सामान निकाल कर रख लो और इनको कोई पुराना अंडरवियर पहना के बेड पर लेटा दो। आपने दोनों अंकल के कपड़े और सामान क्यों चुरा लिए मम्मी? तुम्हारे पापा गजनी है इसलिए सब भूल जाते हैं। और अभी कुछ समय पहले तुम्हारे पापा ने मुझे बताया कि ये दोनों चोर हैं और इनको घर की सारी संपत्ति दे दो, क्योंकि तुम्हारे पापा भूल गए थे कि मैं उनकी पत्नी हूँ। अच्छा अच्छा, जब इनको होश आ जाए तो हम लोगों को नाटक करना है। कौन सा मम्मी? यही दिखाना होगा कि हम सब लोग शरीर के भाग निकाल कर बेच देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा हुआ कि ये दोनों घर पर ही आ गए, अब हमको इनकी आँख निकाल कर बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सही है, इनके तो गुर्दे भी सही होंगे। हाँ वो भी निकाल लेंगे। अरे रुको भाइयों, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? सुबह चले जाना। अरे चुप कर, मरवाएगा क्या? देखो देखो फैक्ट्री मालिक जा रहे हैं। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो। अरे भागो भागो भागो। तुमने मेरे दोस्त को भगा दिया, मैं भी जा रहा हूँ। जाओ फिर, रुके क्यों? मैं चला जाऊंगा। मैंने कब मना किया? मैं पक्का चला जाऊंगा। अरे तू जा रहे। भाई रुको, भाई रुको, मैं भी चल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, रुक अभी तुझे बताती हूँ, तू घर में चोरी करवाएगा। अरे बस करो लग रही है। पापा चोर लाए, मम्मी ने चोर भगाए, पापा को भी 10-15 हाथ जमकर लगाए। झाड़ू लेकर आओ। हाँ पापा बहुत बड़े वाले हैं। अरे पागल, झाटू नहीं झाड़ू कह रही हूँ, जिससे घर साफ करते हैं वो ला कर दो। पागल दास, आज से पापा घर का पूरा काम करेंगे, बाहर जाना बिल्कुल बंद आज से इनका। मैं कुछ काम नहीं करूँगा। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। अरे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, आज से पूरा काम मैं ही करूँगा और तुम आराम से बैठना। कितने अच्छे हो तुम। वो तिवारी जी के यहाँ भैंस है ना, वो कुछ काम नहीं करती, सब काम मालिक को ही करना पड़ता है। और वो यादव जी के यहाँ वो कुटिया, वो भी कुछ काम नहीं करती, सब काम यादव जी ही करते हैं। तो तुम भी कुछ ना करो, मैं ही सब कर दूंगा। तुमने मुझे कुटिया बोला, भैंस बोला, इतनी हिम्मत तुम्हारी? मैंने ये कब बोला? मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारे जैसे और भी जानवर हैं जो काम नहीं करते। तुमने मुझे जानवर बोला? नहीं नहीं, तुम तो शेरनी हो इस घर की। मतलब तू शेर है गीदर कहीं का? नहीं नहीं, तुम ही केवल शेरनी हो घर में। हाँ हाँ वो तो सही है। मैं तो ठहरा इंसान, शेर जैसा जानवर कैसे बन सकता हूँ। आखिरकार पापा ने मम्मी को स्वीकार करवा ही दिया कि वो जानवर हैं। तुमने मुझे जानवर बोला? अरे नहीं नहीं, मैंने कहाँ कुछ बोला, तुमने ही तो खुद को शेरनी बोला। अब शेरनी जानवर है, इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन मैं जानवर नहीं, समझे तुम? पापा मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना, आपने शादी की है आप ही झेलो, मैं तो चला। अरे बेटा रुक रुक, मैं भी चलता हूँ। और बोलो मुझे जानवर, आई मजा।